केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अहमदनगर पहुंचे, जहां वे पंडित दीनदयाल व्याख्यान मामला कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान समान नागरिक कानून पर बोले। उन्होंने कहा कि संविधान नीति निर्देशों में सिद्धांतों में है, समान नागरिक कानून लागू करना हमें आज उस स्थिति में नहीं, इसके लिए जो शिक्षा मानस जरूरी है उसके लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। वहीं देश का संविधान इतनी बात कह रहा है कि निजी कानून धार्मिक आस्था रखने वालों पर आधारित हो सकते हैं, पर देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि संविधान के आधार पर देश में जल्द से जल्द समान नागरिक कानून सबके लिए लागू कर सकें, ताकि समान न्याय अधिकार और जिम्मेदारी हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का केवल एक ही अर्थ है, जो आपके नए रिश्तों को मिलने के बाद उससे जो धर्म कर्तव्य उत्पन्न होता है उसकी समानता, न्याय की समानता, अधिकारों की समानता और कर्तव्यों की समानता। अगर दोनों के बीच मतभेद हो तो अदालत जो फैसला करेगी वो न्याय के समानता के आधार पर करेगी। इसके साथ ही सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। समान नागरिक कायदा, समान नागरिक कायदा आ गया तो एक वर्ग से कहेंगे कि फिर तुम्हें अपने जो मृत व्यक्ति हैं फिर तुम उन्हें दफना नहीं सकते, फिर तुम्हें उन्हें हिंदू तरीके से उनका अंतिम क्रिया कर्म करना होगा। कहेंगे कि फिर तुम्हें शादी करने के लिए अग्नि के इर्द गिर्द फेरे लगाने पड़ेंगे। किसी वर्ग से कहेंगे कि अगर समान नागरिक कायदा आ गया तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। और नहीं, एक फिर क्योंकि बुनियादी तौर पर भारतीय मानस में विविधता के लिए आदर और स्वीकार्यता है, तो वो ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होगा विविधता को खत्म करना। विविधता को यूनिफॉर्म सिविल कोड, थोड़ी देर के लिए यहां रुक जाइए।